वेलकम फ्रेंड्स, खाना हंगामा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी सा वेजिटेबल सूप। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक तेज पत्ता, एक इंच जितना दालचीनी का टुकड़ा जिसको हमने पीसेस में कर लिया है, ये 12 से 15 काली मिर्च के दाने, एक छोटा टुकड़ा बटर का, यहाँ पे मैंने लौंग ले ली है 5 से 6, और मसालों में ये एक वेजिटेबल स्टॉक है जो एक क्यूब मैंने लिया है, काली मिर्च है 1/2 चम्मच पिसी हुई, ऑरिगेनो 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। इसके अलावा हमें चाहिए एक बड़ा प्याज लंबा लंबा कटा हुआ, 8 से 10 कलियां लहसुन की, 2 इंच बड़ा टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च, 2 टमाटर बड़े बड़े काटे हुए हैं यहाँ पे मैंने, 4 गाजर हैं, 1 शिमला मिर्च बड़ी, 1 छोटी बंद गोभी, आलू 1 बड़ा कटा हुआ, और 2 चम्मच हमें तेल भी चाहिए होगा, 2 छोटे चम्मच या 1 बड़ा चम्मच ले सकते हैं आप, 1 टेबलस्पून। और इससे हम ये बनाएंगे। तेल हमें इसलिए जरूरत होता है क्योंकि बटर जो है वो जलने लगता है और काला पड़ जाता है, तो तेल अगर साथ में डालेंगे तो वो काला नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना हंगामा। वी आर गोइंग टू मेक मिक्स वेजिटेबल सूप टुडे। फॉर दैट वी वुड रिक्वायर बे लीफ, 1 इंच ऑफ दालचीनी, वी हैव 12 to 15 पेपरकॉर्न्स, वी हैव अ पीस ऑफ बटर, here I have cloves 5 to 6, then I have black pepper grounded, I have here 1 cube of vegetable stock that I have powdered, salt as per taste, this is oregano around 1/2 teaspoon, I have 1 large onion cut into large pieces, these are 8 to 10 cloves of garlic, 2 inch of ginger cut into pieces, 1 green chili, I have here 4 carrots cut, 1 capsicum, here is 1 small cabbage, and I have 2 to 3 big tomatoes cut into pieces, then there is 1 large potato that again is cut into pieces. So we require oil around 1 tablespoon or 2 small spoons, because if we put only butter then the butter will become black. So let's start making this soup. So I will first put the piece of butter which is here with me and a little bit of oil so that the butter does not get burned, and now once that is done I will put the bay leaf along with the other things, and we will keep on stirring it till nice smell comes along. Tail aur butter dal ke maine tej patta aur kali mirch dalchini और लौंग डाल दी है हल्की सी, जब तक उसकी खुशबू नहीं आने लगती तब तक हम इसको भूनेंगे। हल्की हल्की खुशबू अब आने लगी है इसमें से, तो अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे लहसुन, स्लाइट अरोमा इज कमिंग नाउ, सो आई एम पुटिंग इन द गार्लिक and we will keep on stirring it till it becomes light brown. जब तक ये हल्का गुलाबी नहीं हो जाता है लहसुन, तब तक हम इसको भूनेंगे। ये हल्का गुलाबी होने लग गया है तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। नाउ दैट इट इज लाइट ब्राउन वी आर गोइंग टू पुट अनियन इन दिस, एंड
कीप ऑन स्टरिंग इट टिल द अनियन इज ट्रांसलूसेंट। अब हमने इसमें लहसुन हो गया तो हमने इसमें प्याज डाल दिया है और प्याज जब तक हल्का सा ट्रांसलूसेंट या हम ये कह सकते हैं कि हल्का सा जैसे आर पार सा जिसमें दिखने लगता है ऐसा नहीं हो जाता तब तक हम इसको भूनेंगे। इसे हमें लाल नहीं करना है, हमें खाली इसको तब तक भूनना है जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। ये आधा या एक मिनट में ट्रांसलूसेंट हो जाता है। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक। नाउ वी विल पुट इन जिंजर, मिक्स इट अप वेल एंड अगेन स्टर एंड कुक इट फॉर हाफ अ मिनट और सो। अदरक भी हल्की सी भून गई है तो अब हम इसमें गाजर डालेंगे। वी आर गोइंग टू पुट इन कैरेट्स नाउ दैट जिंजर इज ऑल्सो डन। मिक्स इट अप नाइसली, अच्छे से मिलाएंगे इसको। और क्योंकि इसको गाजर को सबसे ज्यादा टाइम लगता है तो हम एक मिनट तक गाजर को पकाएंगे, उसके बाद और सब्जियां डालेंगे। वी विल कुक दिस टिल 1 मिनट इज डन, फॉर 1 मिनट एंड ओनली देन वी विल पुट इन अदर वेजिटेबल्स बिकॉज इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर कैरेट टू गेट कुक प्रॉपरली। सो कैरेट हैज टू गो इन फर्स्ट एंड इट शुड बी कुक बिफोर एनीथिंग एल्स। ओके, नाउ दैट द कैरेट इज डन आई एम गोइंग टू पुट पोटेटोज इन दिस। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स करूंगी। आलू डालने के बाद, मिक्स करने के बाद हम बाकी सारी सब्जियां डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा जब तक सब्जियां नीचे नहीं उतर जाती तब तक इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। ये सब्जियां और हरी मिर्च मिक्स करके फिर हम इसमें मसाले भी डाल देंगे। After putting potatoes, I have put in all the other vegetables and now we are mixing them up nicely so that they are well mixed with the oil and with the other vegetables. And once that is done, we will put in the masalas. ये अच्छे से मिक्स हो गया तो अब मैं इसमें बाकी के मसाले भी डाल रही हूँ वेजिटेबल स्टॉक समेत। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी अब मैं और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर पकने दूंगी। नाउ दैट द वेजिटेबल्स हैव श्रंक अ लिटिल, इट इज टाइम टू पुट इन वाटर बिकॉज द कुकर नाउ हैज स्पेस फॉर वाटर ऑल्सो। सब्जियां जो हैं वो सिकुड़ गई हैं थोड़ी और अब हम इसमें पानी डाल सकते हैं, कुकर में जगह हो गई है और तकरीबन 4 से 4.5 मग जितना मैं इसमें पानी डाल दूंगी। आई विल पुट अराउंड 4 to 4.5 mugs ऑफ वाटर इन दिस। We will mix it well and after mixing it, we will close the lid and put it for pressure and we will cook it till 2 whistles and after the 2 whistles, we will keep it on low flame for around 7 to 8 minutes and then we will come back. हम लोग अब पानी डाल चुके हैं 4 से 4.5 मग तक और अब हम इसको बंद कर देंगे ढक्कन को। ढक्कन बंद करने के बाद हम लोग इसमें 2 विसल लगाएंगे। 2 विसल के बाद कम सेक करके 7 से 8 मिनट पकाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको कम सेक पे 7 से 8 मिनट पकाने के बाद इसकी स्टीम निकाल देंगे। तो हम विसल बजने के बाद वापस आते हैं। अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ।
ये हमने दो सीटी के बाद कम सेक करके और 8 मिनट तक कम सेक पे रखा था और उसके बाद स्टीम उसको निकलने दी थी। स्टीम निकलने के बाद हमने कुकर खोल लिया है और इन सब्जियों को छान लिया है। अब इसको हम ठंडा करना रख देंगे और ठंडा करने के बाद हम इन छनी हुई सब्जियों को 1 कप या आधा कप जितना ये जो नीचे पानी है इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल के और उसके साथ पीस लेंगे। दिस इज डन नाउ। वी हैव हैड 2 विसल्स एंड आफ्टर दैट आई हैड पुट द फ्लेम टू लो एंड दिस वॉज कुकिंग फॉर 7 to 8 मिनट्स इन लो फ्लेम। देन वी क्लोज द गैस एंड वी हैड लेट इट कूल डाउन डीप्रेशराइज नॉट कूल डाउन वी हैड लेट इट डीप्रेशराइज बाई इट सेल्फ। वंस ऑल द प्रेशर वॉज गॉन फ्रॉम द कुकर वी हैड ओपन इट अप एंड वी हैव सीव्ड दिस वेजिटेबल्स। बिलो यू कैन सी द स्टॉक सो आई एम गोइंग टू कूल इट नाउ। वंस इट गेट्स अ लिटिल कूलर आई विल पुट इट इन द मिक्सर ग्राइंडर अलॉन्ग विद 1/2 कप और 1 कप ऑफ दिस स्टॉक एंड वी विल ब्लेंड इट इन टू अ पेस्ट। सो एज यू कैन सी आई हैव ब्लेंडेड इट नाउ इन टू अ स्मूथ पेस्ट। आई हैड टेकन आउट द बे लीफ एंड थ्रोन इट अवे। रेस्ट ऑफ द स्टफ आई हैव ब्लेंडेड एंड आई एम गोइंग टू मिक्स इट बैक इन द स्टॉक। आप देख सकते हैं ये अच्छा सा स्मूथ पेस्ट मैंने बना लिया है। मैंने पहले इसमें से तेज पत्ता निकाल दिया था क्योंकि तेज पत्ता साथ में नहीं पीसते हैं, वो निकाल के फेंक दिया था। और अब मैं इसको पीसने के बाद वापस से ये स्टॉक में या सूप के पानी में डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। सो आई पुट इट इन एंड अनदर ऑप्शनल थिंग दैट यू कैन डू विच आई जनरली डू इज यूज 1 कप ऑफ मिल्क ऑल्सो। सो आई एम गोइंग टू पुट 1 कप ऑफ मिल्क इनसाइड द सूप। इट गिव्स अ वेरी स्मूदी क्रीमी टेस्ट। 1 कप दूध डाल सकते हैं जो कि ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप इसे डालें, पर 1 कप दूध डालने से बहुत स्मूद और क्रीमी सा इसका टेस्ट हो जाता है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और एक उबाला देकर फिर इसको सर्व करेंगे। आई एम गोइंग टू मिक्स दिस अप एंड देन आई विल गिव इट 1 मोर बॉइल एंड देन वी विल सर्व दिस डिलिशियस सूप। सो आई लव टू गार्निश माई सूप विद अ लिटिल बिट ऑफ पास्ता सीजनिंग एंड कोरिएंडर। आई हैव डन दैट एंड द सूप इज रेडी टू बी हैड एंड रिलिश्ड। मैं अपने सूप में थोड़ा सा धनिया और पास्ता सीजनिंग डालना पसंद करती हूँ, देखने में अच्छा लगता है गार्निश किया रहता है तो, और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो अब ये मेरा सूप रेडी है पीने के लिए। एंजॉय करिए, इसे बनाइए, एंजॉय करिए और मुझे बताइए कैसा लगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।